नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिजनौर में दो नाबालिग लड़कों ने एक युवक की हत्या कर दी। एक लड़के को शक था कि युवक का उसकी भाभी से अफेयर है, वो अक्सर उसकी भाभी से आते जाते बात करता था। ये बात उसे बुरी लगती थी, जिसके चलते उसने नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर ईंट से युवक के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। उसके बाद भी युवक नहीं मरा तो स्कूटी का शीशा तोड़कर कांच से उसका गला रेत डाला, फिर शव को हौद में डालकर फरार हो गए। दोनों आरोपी हाई स्कूल और इंटर के छात्र हैं। वारदात हल्दौर इलाके में शुक्रवार को हुई थी। मृतक की मां ने तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद 15 घंटे के अंदर मामले का खुलासा करते हुए दो नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने गुनाह कबूल करते हुए पूरी वारदात के बारे में बताया। दरअसल हल्दौर थाना क्षेत्र के बल्दिया फरियापुर मार्ग पर शनिवार की सुबह ट्यूबवेल की हौद में खून से लथपथ युवक का शव पड़ा मिला था। कुछ दूरी पर ही स्कूटी पड़ी थी। स्कूटी के आधार पर ही मृतक की पहचान पंकज कुमार 29 निवासी मोहल्ला भोर के रूप में हुई थी। आसपास उसे घसीटने के निशान थे, साथ ही हौद की दीवार पर ब्लड पड़ा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की थी। उसके बाद ने मृतक की मां ने हत्या आरोप गांव के ही नाबालिग लड़के पर लगाया था। थाना क्षेत्र हल्दौर की घटना है। एक अज्ञात युवक का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पहुंची, फील्ड यूनिट पहुंची, मौके से एविडेंस लिए गए। मौके पर मौजूद स्कूटी के आधार पर मृतक की पहचान ग्राम भूड़ के रहने वाले पंकज के रूप में हुई। पुलिस ने इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए घटना का अनावरण किया है। दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा घटना का इकबाल किया गया है। उस मृतक का मोबाइल ले गए थे, वो मोबाइल भी इनसे बरामद किया गया है। अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।